बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि हाइड्रा की जानिब से जो गरीबों के मकानात मुनद्दम कर दिए गए हैं इन्हें डबल बेडरूम के मकानात अलॉट करें। केटीआर ने आज तेलंगाना भवन में असेंबली हल्का श्री लिंगमपल्ली के कायदीन के साथ इजलास का इनेकाद किया। केटी रामाराव ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि साबिके बीआरएस के दौरे हुकूमत में डबल बेडरूम के मकानात तामीर किए गए थे। इनमें से अब तक कांग्रेस हुकूमत ने 40,000 डबल बेडरूम के मकानात गरीबों को अलॉट नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एमपी एटला राजेंद्र ने मंगल 24 सितंबर को तेलंगाना के वजीर आला ए रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि हुकूमत ने प्रसाद के आईमैक्स थिएटर को मुनद्दम करने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मलकाजगिरी एमपी ने शहर भर में हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी के जरिए किए गए गैर कानूनी स्ट्रक्चर को मुनद्दम किए जाने पर नाराजगी का इजहार किया। तेलंगाना के वजीर आईटी सुधीर बाबू ने कहा कि किसानों को कर्ज माफी के बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। वजीर मौजूफ ने करीमनगर जिला के जमी कुंटा जराय मार्केट कमेटी के साबिके चेयरमैन समीर रेड्डी के खानदान से मुलाकात की जो हाल ही में चल बसे थे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के जानिब से इनके खानदान के ताउन का वादा किया। इन्होंने कहा कि 10 साल इक्तदार में रहने वाली बीआरएस ने किसानों के कर्जात माफ नहीं किए। ये काम 9 महीने में कांग्रेस ने कर दिया। तकनीकी वजूहात की वजह से बस किसानों के कर्जात माफ नहीं किए जा सके। ताहम जल्द ही कर्ज माफी स्कीम की रकम इनके खातों में जमा कर दी जाएगी। साइबर क्राइम यूनिट हैदराबाद पुलिस ने अमन नगर तालाब कट्टा में रहने वाले एक 21 साल के शख्स इलेक्ट्रिशियन को मुबैना तौर पर एक नाबालिग लड़की की निजी वीडियोस रिकॉर्ड करने और इसे स्नैपचैट पर वायरल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के मुख्तलिफ दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तेलंगाना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने शहर के मालापुर और नाचारम मोहल्लों में पान की दुकानों पर छापे मारे। अहलकारों ने छापे मारे गए पान शॉप से मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियां पाई। 5 में से 4 दुकानें बगैर किसी FSSAI के रजिस्ट्रेशन के चल रही थी। फूड सेफ्टी हुकाम ने जिन दुकानों पर छापे मारे इनमें श्री महाराजा पान एंड ड्राई फ्रूट, सोरबी पान महल, नाचारम की जोली पान शॉप, पकवान पान शॉप और मालापुर की भवानी पान शॉप शामिल है। हैदराबाद की टूटी फूटी सड़कें हालिया बारिशों के बाद मुसाफिरों के लिए खतरनाक रुकावट बन गई है। मुख्तलिफ मुकामात पर मरकजी सड़कों की ऊपरी तह उखड़ गई है जिसकी वजह से गड्ढे पड़ गए हैं जो कि मोटरसाइकिलों की हिफाजत के लिए संगीन खतरा है। मिसाल के तौर पर बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 से मसब टैंक जंक्शन तक पूरी सड़क खराब है। दारुसलाम बैंक के सामने सड़क का एक हिस्सा उखड़ गया जिससे गड्ढा पड़ गया। इस रास्ते पर जाने वाले गड्ढों से गाड़ियां फलट रही है, इससे गाड़ी सवार को सड़क हादसे का भी खदशा है। रश के औकात में गाड़ियों की नकलो हरकत काफी सुस्त होती है जिसकी वजह से दिन भर तवील ट्रैफिक जाम रहता है। रियासी हुकूमत की जानिब से फीस की वापसी से मुतालिक बकायाजात की इजराई में ताखीर के बाद रियासते तेलंगाना के प्राइवेट कॉलेजों ने अपने एहतजाज को तेज करने का फैसला किया है। इंटरमीडिएट डिग्री, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बीएड, नर्सिंग, पैरामेडिकल और पीजी प्रोग्राम पेश करने वाले प्राइवेट कॉलेजेस की इंतजामिया जल्द ही एहतजाज को आगे बढ़ाने के लिए मुश्तरक एक्शन कमेटी तश्कील देगी। मंगल को नामानिकारों से बात करते हुए कॉलेज के मालकान ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो 6,500 करोड़ रुपए में से 1,200 करोड़ रुपए कॉलेजों को दशहरा तोहफा के तौर पर जारी करे। इंतजामिया का कहना था कि बैंकों ने 90 कॉलेजों को नोटिस जारी किए हैं कि वो इन्हें कर्ज नहीं दे रहे हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ कबाइली बहबूद पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल्स में अपनी खिदमात अंजाम देने वाले आदिवासी आउटसोर्स वर्कर्स ने मंगल 24 सितंबर को कबाइली बहबूद के महकमे के दफ्तर में एहतजाज किया और इनकी तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया जो 19 माह से पेंडिंग है। सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन की क़ियादत में आदिवासी पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल्स कारकुनान ज़्यादातर खवातीन आदिलाबाद, आसिफाबाद और बेदरादारी कोतागुड़म अजला से कबाइली बहबूद के महकमों के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार करने आए थे।
रियासती हुकूमत मूसी रिवर फ्रंट की तजावजात का तफसीली सर्वे करेगी और हैदराबाद में टैंकों और नालों पर तजावजात करने वालों के साथ मूसी कैचमेंट एरिया में रहने वाले अहल गरीबों की तफसीलात जमा करेगी। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो या तो डबल बेडरूम वाले मकानात अलॉट करे या अहल अफराद के लिए रिहायश फराहम करे। मंगल को यहाँ एक जायजा मीटिंग के दौरान चीफ मिनिस्टर ने मूसी रिवर फ्रंट की तरक्की और हैदराबाद मेट्रो रेल की तौसी पर तबादले ख्याल किया। इन्होंने हैदराबाद में आबी सखायर की सख्त निगरानी और मजीद तजावजात से तहफ्फुज की जरूरत पर जोर दिया। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसने 3 मुख्तलिफ बैंक खातों से गैर कानूनी तौर पर 20,18,000 रुपए की रकम एक मुद्दत के दौरान मुंतकिल की थी। गिरफ्तार साइबर फ्रॉड मोहम्मद आसिफ पाशा ने जहांगीर के साथ मिलकर एक खातून सबिया सुल्ताना और इनके मकतूल भाई समीउद्दीन के 3 बैंक अकाउंट से मुबैना तौर पर रकम हथियाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मिड डे मील अहलकारों को 2 माह की छुट्टियों की तनख्वाह अदा करने से मुतालिक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज पेश किया था और ये दलील दी थी कि हाई कोर्ट ने 2 माह की छुट्टियों की तनख्वाह देने का हुक्म जारी कर मिड डे मील अहलकारों के साथ हुए माहदे को दोबारा लिखने का अमल अंजाम दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली नज़र में रियासती हुकूमत की दलील पर इतफाक जाहिर किया और हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का हुक्म जारी कर दिया। दुनिया में इंसानियत अब भी बाकी है। मुंबई में लोकल ट्रेन के कोच से एक लावारिस बैग बरामद हुआ जिसमें 20,00,000 रुपए थे। एक खातून की नज़र इस पर पड़ी। अगर वो चाहती तो बैग ले जा सकती थी, लेकिन इसने दूसरे मुसाफरों से कहा कि वो इस बारे में पुलिस को इतला दे। खातून की हिदायत पर बैग पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरजी कार मामले की तहकीकात के सिलसिले में मंगल को सीबीआई ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अपूर्वा को दोबारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स में वाकई अपने दफ्तर में बुलाया। इस मामले में आरजी कार के साबिक सुपरिटेंडेंट संजय भी सीबीआई के दफ्तर में पेश हुए। डॉक्टर अपूर्वा वो डॉक्टर है जिन्होंने मुतासिरा का पोस्टमार्टम किया है, जिसकी मौत के बाद ये मामला जेर बहस आया। मंगल को वो दोपहर में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीबीआई के दफ्तर पहुंचे और तकरीबन 1.5 घंटे तक वहां रहे। तहम इन्हें किसी वजह से बुलाया गया था ये वाजे नहीं हो सका। दफ्तर से निकलने के बाद डॉक्टर ने कोई बयान देने से इनकार कर दिया। जम्मू व कश्मीर असेंबली इंतखाबात के 25 सितंबर यानी चारशंबे के दिन होने वाले दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए तमाम नजरें जिला श्रीनगर पर मरकूज है, जो एक वक्त इलेक्शन बायकॉट का गढ़ जाना जाता था। इंतखाबात के दूसरे मरहले में जम्मू व कश्मीर की कुल 90 सीटों में से 6 अजला की 26 नशस्तों की पोलिंग होगी, जिनमें से कश्मीर में 15 जबकि जम्मू सूबे में 11 हल्कों पर पोलिंग होगी। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर है। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस दरमियान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हरियाणा के हालात को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी पर हमला किया है, खुसूसन रियासत में बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हरियाणा में बीजेपी ने बेरोजगारी की ऐसी वबा फैलाई है कि होनहार नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। प्रियंका गांधी ने ये बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया।